इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी विचारक गुजरे हैं वो लोग क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है, किस पर बहस हो रही है? राजनीति क्या है? तो ये सारे के सारे लोग कहते हैं कि राजनीति मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि है। एक विशेष गतिविधि है और यह जो गतिविधि है समाज में विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है। मतलब आज तक की बात मैं बता रहा हूं, इन्हीं की विचार माने जाते हैं। राजनीति क्या है? तो मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि है। मनुष्यों की यह गतिविधि समाज में विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है। अगर हम अंडरलाइन करें कि यह जो विशेष गतिविधि है, मनुष्य राजनीति में अगर एक विशेष गतिविधि करता है तो उस गतिविधि का विषय कैसा होता है? यानी जो हम क्रियाकलाप करते हैं राजनीति में, वह जाहिर सी बात है व्यक्तिगत तो होगा नहीं, व्यक्तिगत के लिए घर में होता है। तो यह जो गतिविधि होती है, इस गतिविधि का विषय कैसा होता है? सार्वजनिक होता है, आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात राजनीति जो मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि है, जो समाज में विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है, इसमें विभिन्न दल और विभिन्न समूह क्या करते हैं? या मतदाता होता है, या जनमत होता है, ये सब क्या करते हैं? सार्वजनिक पार्टिसिपेट करते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य क्या करता है, एक विशेष प्रकार की गतिविधि करता है। अब मनुष्यों की यह गतिविधि किसके माध्यम से व्यक्त हो रही है? विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त कर रही है। वो विभिन्न समूह क्या हैं? दल हैं, समूह हैं, मतदाता है और जनमत है। कहने का अर्थ कि जिस राजनीति को मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि कहते हैं, उस मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ये सारे लोग कर रहे हैं। तो राजनीतिक गतिविधि में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये कर रहे हैं विधायक, कर रहा है व्यक्ति के रूप में ले लें तो, और कौन कर रहा है? मंत्री कर रहा है, शासक कर रहा है, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कर रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? व्यक्ति के रूप में विधायक गतिविधि में भाग ले रहा है, व्यक्ति के रूप में शासक ले रहा है, व्यक्ति के रूप में राष्ट्राध्यक्ष ले रहा है, और व्यक्ति के समूह के रूप में कौन भाग ले रहा है?
ये सब ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, तो सार्वजनिक नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी देश में जो कानून है जिसको हम सार्वजनिक, हमारी देश सरकार जो कानून बनाती है उसको क्या हम बोलते हैं, सार्वजनिक नीति बोलते हैं। जो भी कानून है, जो भी कार्यक्रम है, वो सार्वजनिक कार्यक्रम है, किसी एक के लिए नहीं होता। तो ये सारे के सारे लोगों का उद्देश्य क्या होता है, ऐसे सार्वजनिक नीतियों को क्या करना, प्रभावित करना, जिससे हमारे हितों की पूर्ति अधिक से अधिक हो सके। यही राजनीतिक गतिविधि में होता है। राजनीति मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि है। उद्देश्य क्या है कि जिस गतिविधि में भाग लेते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं उनको प्रभावित किया जाए, जो सार्वजनिक नीतियों का निर्माण होता है, ऐसे सार्वजनिक नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो सारे पक्ष की कोशिश तो यही होगी ना। अगर किसान भाग ले रहा है, एक गतिविधि के रूप में भाग ले रहा है, तो किसान समुदाय का या एज ए किसान का उद्देश्य होगा कि हमारे देश में जो सरकार कानून बनाए वह कानून ऐसे बने जिससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो। व्यापारी का उद्देश्य होगा कि हमारे देश में कानून ऐसा बने जिससे व्यापारियों को अधिक से अधिक, यही क्या है, गतिविधि है। तो ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जिससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है कि जो राजनीतिक गतिविधि होती है यह राजनीतिक गतिविधि शक्ति के संघर्ष में व्यक्त होती है। यानी इन विभिन्न समूहों के बीच क्या होता है, शक्ति के लिए संघर्ष होता है। जो ये राजनीतिक गतिविधि हो रही है, ये सारे के सारे लोग राजनीति में भाग ले रहे हैं, राजनीतिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं। भाग लेने का उद्देश्य क्या होता है, आपके क्लास लेने का उद्देश्य क्या है? मैं कह सकता हूं कि क्लास की गतिविधि है, इस क्लास की गतिविधि में क्यों भाग ले रहे हैं? भाग लेने का उद्देश्य कि ऐसा पढ़ाया जाए जिससे आपका, आपको अच्छा ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए, यही उद्देश्य है। वैसे ही किसी भी देश में यह जो व्यक्ति है, न केवल यह व्यक्ति उस राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता है, बल्कि व्यक्ति से संबंधित सारे समूह भाग लेते हैं, चाहे कोई भी समूह हो। वह समूह किसका हो सकता है, व्यापारी का हो सकता है, व्यवसायी का हो सकता है। व्यवसायियों में भी जानते हैं, अगर बांटना चाहें तो आप डॉक्टरों का, वकीलों का, इंजीनियरों का, अधिकारियों का, इनको कहते हैं व्यावसायिक संघ। व्यापारियों में दिल्ली के व्यापारी का अलग होगा, गाजियाबाद के व्यापारी का अलग होगा, नोएडा के व्यापारी का अलग होगा, इसमें भी बहुत होते हैं। यानी हर जिले में आप देखेंगे तो व्यापारियों का एक एसोसिएशन होता है, जिला एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, उसमें भी अलग अलग ग्रुप बना होता है कि तिमारपुर के व्यापारियों की एक मांग है, वजीराबाद की ये मांग है, शाहीनबाग के व्यापारियों की ये मांग है। समझ में आ रहा है, ये व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, व्यवसायी हो गए। उसके बाद से आप देखेंगे तो महिलाओं का भी समूह होता है, किसानों का भी समूह होता है, छात्रों का भी समूह होता है। ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, इस राजनीतिक गतिविधि में भाग लेते हैं। भाग लेने का उद्देश्य क्या है, भाग लेने का उद्देश्य क्या है,
कि नीतियां ऐसी बनाई जाएं जिससे हमें अधिक से अधिक फायदा हो सके। नहीं समझ में आ रहा है? आधुनिक सिद्धांतकार मानते हैं कि राजनीति क्या है, मनुष्यों की एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि है। अब सवाल यह है कि जब इसको एक विशेष गतिविधि मान लिया तो इस गतिविधि में भाग कोई लेता क्यों है? क्या जवाब देंगे आप लोग? खुद बोलिए तब आगे निकलूंगा। ये सारे के सारे लोग इस सार्वजनिक गतिविधि में या राजनीतिक गतिविधि, राजनीति व्यक्तिगत नहीं होती है, सार्वजनिक होती है, देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है ना? तो ये सारे के सारे लोग जब इस गतिविधि में भाग लेते हैं तो उनके भाग लेने का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ। हाँ, कुछ नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ कह सकते हैं, अधिक से अधिक अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कह कर सकते हैं। और इसके लिए उनके बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक गतिविधि शक्ति के संघर्ष में क्या होती है? व्यक्त होती है। आपस में संघर्ष होगा नहीं होगा? आपस में संघर्ष होगा। अब देखो कहानी कैसे आ रही है। राजनीतिक गतिविधि शक्ति के लिए संघर्ष में व्यक्त होती है। सब आपस में क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। किसके लिए? और यह संघर्ष दो स्तरों पर होता है। कितने स्तर पर? दो स्तर पर। राष्ट्रों के मध्य और देश के अंदर भी इतना होगा। शक्ति के लिए संघर्ष कहां हो रहा है? देशों के बीच भी होता है, जैसे चल रहा है ना यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। किसके लिए हो रहा है? शक्ति के लिए। रूस की कोशिश क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आवश्यकताओं की। और यूक्रेन की कोशिश, और इसके लिए क्या चाहिए? वैसे ही देश के भीतर भी तो चल रहा होगा, नहीं चलता है? घर में नहीं चलता है क्या? देश की बात करें, घर के अंदर देख लो आप, घर में भी शक्ति के लिए संघर्ष होता है। और जब राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष होता है तो इसमें कौन भाग लेता है? देश भाग लेते हैं। और जब देश के भीतर संघर्ष होता है तो इसमें कौन भाग लेते हैं? विभिन्न दल, विभिन्न समूह, ये भाग लेते हैं कि नहीं भाग लेते हैं? ये भी भाग लेते हैं, नहीं है? घर में कौन भाग लेता है? घर के लोग। तो देश के अंदर कौन भाग लेगा? देश के लोग और उनके संगठन, ये सारे के सारे भाग लेंगे। अब यहीं पर एलन बाल कहता है, हैरल्ड लॉसविल पहले कहता है एलन बाल की हम बात बताएं। एलन बाल कहता है कि राजनीति में क्या होता है कि जो संघर्ष होता है, जो इन इनके बीच मतभेद होता है, ऐसे मतभेदों का समाधान भी होना चाहिए। जो इन लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष का समाधान भी होना चाहिए। और समाधान कौन करता है? शासन करता है, सत्ता करती है। जहां मतभेद होगी
वहां पर उसका समाधान शासन के द्वारा किया जाता है। एक अप्रोच ये है, ठीक है, एक अप्रोच ये है। और दूसरा अप्रोच कार्ल मार्क्स कहता है कि जब संघर्ष होता है, जब मतभेद होता है, तो ऐसे मतभेदों का समाधान शासन नहीं करेगी बल्कि क्रांति के द्वारा होगा और पूरी व्यवस्था को हटा दिया जाए। यहां तक आया कुछ? आधुनिक सिद्धांतकार या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है, मनुष्यों की क्या है, एक विशेष गतिविधि है। और मनुष्यों की यह गतिविधि समाज में किसके माध्यम से व्यक्त होती है, विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है। इन सारे के सारे समूह क्या करते हैं, राजनीतिक गतिविधि में भाग लेते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है कि सार्वजनिक नीतियों को ऐसे प्रभावित किया जाए या ऐसे सार्वजनिक नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे हमारे उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके। ऐसे में क्या होता है कि जो राजनीतिक गतिविधि है वह शक्ति के संघर्ष में व्यक्त होती है, और यह शक्ति का जो संघर्ष होता है वह दो स्तरों पर होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है और दूसरा राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है वह दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच होता है, और देश के अंदर जो संघर्ष होता है वह विभिन्न दलों के बीच, विभिन्न समूहों के बीच होता है। इतना हुआ, पलट दें। अब आप देखिए, जब संघर्ष होगा तो इसका मतलब कई लोग हैं, नहीं है, विभिन्न समूह हैं। विभिन्न दल हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं कई लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं, समुदायों का, जातियों का, धर्म का, सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो समूह होता है एक विशेष लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखें आप खेल, खेल देखो, जब संघर्ष होगा तो एक संघर्ष का उद्देश्य होगा कि जो व्यवस्था है, जो शासन है, जो व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है, वह किस दिशा में होगा, परिवर्तन की दिशा में होगा। यानी एक की कोशिश होगी कि बनी हुई व्यवस्था में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, इसके लिए लड़ाई होगी। और दूसरा चाहेगा कि जो परिवर्तन की मांग करने वाले लोग हैं, परिवर्तन न हो बल्कि उसका क्या किया जाए, समाधान किया जाए। यानी एक चाहेगा कि यथा स्थिति बनी रहे और दूसरा चाहेगा बदलाव हो। अब सवाल यही है कि जब विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष होता है, तो अगर संघर्ष होता है तो उस संघर्ष का क्या होना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए, और समाधान ऐसा होना चाहिए जो विभिन्न समूहों को स्वीकार हो। यानी सारे के सारे लोग उसके द्वारा किए गए समाधान का सम्मान करें। अदरवाइज हम लोगों के बीच आपस में संघर्ष हुआ और कोई आकर उस संघर्ष का समाधान करे, या समाधान करने के बाद हम कहें कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो फिर संघर्ष होगा, कोई अंत है उसका। तो विभिन्न समूहों के बीच जो संघर्ष होता है, क्या उस संघर्ष का समाधान है, इस संघर्ष का समाधान ऐसा होना चाहिए जो सभी को क्या हो, सभी को क्या हो, मान्य हो। इस संघर्ष के समाधान के लिए
जो नीतियां बनाई जाएं, जो कानून बनाए जाएं, उन कानून का पालन सारे लोग सहर्ष रूप से करें, आज्ञा पालन करें, और अगर नहीं किए तो जिसके द्वारा संघर्ष का समाधान किया जाता है उसके पास इतनी शक्ति होगी कि वह आपको बजा भी सकता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, हैं? क्या बोलते हैं, बोलिए, फिर एक बार सुनिए। इनके बीच संघर्ष होगा तो इस संघर्ष का समाधान ऐसा होना चाहिए जो सभी को मान्य हो। अब जिसके द्वारा समाधान किया जाएगा उसके द्वारा समाधान करने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी, और ऐसे नीतियों का पालन सारे लोगों के द्वारा किया जाएगा, और अगर नहीं किया तो समाधान करने वाले के पास इतनी शक्ति होगी कि दंड भी उनको दे दे। तो समाधान करने वाला कौन है? शासन है, सत्ता है। क्या है? समाधान कौन करेगा? उसी को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। यहीं पर डेविड स्टर्न आता है। और अपनी किताब पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यह किताब लिखता है और कहता है कि इस संघर्ष का जो समाधान होगा वह समाधान कैसा होगा। तो कहता है कि राजनीतिक समाधान होगा। इस संघर्ष का समाधान कैसा होगा? राजनीतिक समाधान होगा। और जब इस संघर्ष का राजनीतिक समाधान होगा तो विभिन्न पक्ष ऐसे समाधान को स्वीकार करेंगे। ऐसे संघर्ष का राजनीतिक समाधान होगा और ऐसे समाधान को सारे के सारे पक्ष सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि राजनीति क्या है? समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह स्टेटमेंट देता है। राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अब ये दे दिया स्टेटमेंट और इसी को हमको लिखना है, और इसी के लिए इतना सारा मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, अब आइए इनमें से मैं चर्चा करता हूं। कि हम जब संघर्ष करते हैं तो संघर्ष क्यों करते हैं? संघर्ष क्यों करते हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए। हर आदमी का वही कोशिश। डेविड स्टर्न कहता है कि जो संघर्ष होता है किसके लिए होता है? इसी को पाने के लिए। ठीक है, संघर्ष इसी के लिए होता है। राजनीति समाज में क्या है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह स्टेटमेंट होगा, इस पे हमको लिखना है। अब आप समझें, इनका क्या उद्देश्य होता है? ये सारे के सारे लोग
इसमें भाग लेते हैं नहीं लेते हैं? इसमें भाग लेने का इनका उद्देश्य क्या है? मूल्यों को प्राप्त करना, मूल्यों को प्राप्त करना। तो आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा, सारे लोग चाहेंगे। अब यहां पर डेविड ईस्टन कहता है कि इस राजनीतिक गतिविधि में जब भाग लेंगे तो ये भी पाना चाहेंगे, सारे लोग पाना चाहेंगे। इसके लिए इनके बीच क्या होगा? मतभेद होगा, संघर्ष होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मतभेद और ऐसे संघर्ष का क्या किया जाए? समाधान किया जाए। और इसका समाधान करेगा कौन? शासन करेगा, सत्ता करेगी। सत्ता के द्वारा किए गए समाधान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? मोदी जी अगर किसान समुदाय विभिन्न समूहों के बीच इसको पाने के लिए संघर्ष हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका समाधान होगा। मोदी जी की हमारी सरकार समाधान करेगी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? या तो सहर्ष मान लीजिए, आप मान लीजिए कि इसका पालन करना मेरे लिए आवश्यक है, और अगर नहीं मानते तो लठ बजेगा, बजेगा, क्योंकि जब इस आधिकारिक सत्ता के द्वारा समाधान किया जाता है तो उस समाधान में बल भी होता है कि आप इसका पालन करें। अगर नहीं किए तो इस आधिकारिक सत्ता के पास पालन करवाने की क्षमता भी होती है। अब आप देखिए यहां से निकालता है कहानी डेविड ईस्टन, कहता है कि ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन में तीन शब्द आपको दिख रहे हैं। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है बोलिए? एक तो ये दिख रहा है, अंडरलाइन कर दिया हूं, दूसरा और तीसरा। बहुत बढ़िया, आवंटन, तीन चीज दिख रही है। अब पूरा खेल तमाशा इन्हीं तीनों पे है, पूरा खेल तमाशा इन्हीं तीनों पे है। एक निकालिए इसमें से, मूल्य को। ये जो मूल्य हैं ये क्या हैं? मूल्य क्या हैं? सेवा, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधा, लाभ, सुख, मान, प्रतिष्ठा, कोई एक निकाल लीजिए इसमें से, जिसको आप निकालना चाहें। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य की हम बात करें, किसी को भी निकाल सकते हो आप, जिस जो आपको समझ में आ जाए। कौन है? ये सारे लोग चाहते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हम जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हॉस्पिटल बनवाया जाए। जैसे दिल्ली को कई भाग में आप बांट लें, हर भाग के लोग किसकी मांग करते हैं? एक बेहतर हॉस्पिटल के लिए। अब इस बेहतर हॉस्पिटल को पाने के लिए इनके बीच क्या होगा? संघर्ष होगा नहीं होगा? हर क्षेत्र के लोग, गांव में तो देखते होंगे ना, गांव में अक्सर बवाल होता है। एक मोहल्ले कहते हैं नहीं हमारे वहां पहले लगना चाहिए, दूसरे वाला कहेगा नहीं हमारे वहां लगना चाहिए, और जब किसी एक मोहल्ले में लग जाता तो दूसरे वाले बवाल करते, अरे प्रधान उधर ही का था इसलिए वहां पर लगवाया, हमारे वहां नहीं लगवाना।
अब समझना यह है कि जब इसमें मतभेद होगा, संघर्ष होगा, सारे के सारे लोग सिगमेंट करके बांट लें आप, कि विभिन्न जो समूह होते हैं वह समूह का यह कहना कि पहले जो है यहां पर हॉस्पिटल बनवाया जाए। अगर सरकार के सामने ऐसा मतभेद है, विभिन्न समूहों की यह मांग है कि हॉस्पिटल बनवाया जाए, तो सरकार कहां बनवाएगी, इसका समाधान कैसे करेगी? सबसे पहले देखेगी कि किस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकता है कि यह मिलना चाहिए, तो वहां पे बनवा देगी। फिर बनवाने के बाद यह देखेगी कि भाई इनकी आवश्यकता की पूर्ति तो हो गई, अब इस क्षेत्र में बनवा दिया जाए, यहां बनवा दिया, फिर इस क्षेत्र में बनवा दिया जाए, फिर एक क्षेत्र में बनवा दिया जाए, और अंततः सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहेगा। फिर नई मांग उठेगी कि यह हमको चाहिए। परिवहन के बारे में आप देख लें, इस परिवहन के बारे में आप सोचिए कि यह क्षेत्र नोएडा से मुखर्जी नगर आ रहा है, और यहां पर चार बसें चल रही हैं। दूसरा यह इलाका है जहां से आने के लिए एक भी बस नहीं है। आप बताइए कहां पर पहले परिवहन की व्यवस्था सरकार करेगी? आप तो पूरा कर रहे हैं, अब आपकी यह मांग है कि और बस यहां पर संचालित किया जाए, चलाया जाए, और जिस क्षेत्र में परिवहन की एकदम भी सुविधा नहीं है तो वहां पर परिवहन की सुविधा व्यवस्था दी जाए, या जहां पर पहले से मौजूद है वहां दिया जाए। समझ में आया? अब देखिए कि ये जो मूल्य के बारे में डेविड स्टर्न कहता है कि ये मूल्य क्या है, तो यही है, क्योंकि ये जितने मूल्य आपको दिख रहे हैं उनके बारे में कहता है कि समाज में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वे दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब, हाँ बिल्कुल, जानबूझ के मैं लिखा हूं, सीमित है। स्ट्राइक कर रहा है कुछ? सारे लोग मांग करते हैं। डेविड स्टर्न ये कहता है कि जो मूल्य है वो मूल्य क्या है, यही है, ये सब लिख दिया। ये समाज में मूल्यवान वस्तुएं हैं और ये क्या है, दुर्लभ है। और जिन्हें प्राप्त करना हर आदमी चाहता है, सारे लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सबको मिल पाएगा? ये जो मूल्यवान वस्तुएं हैं समाज में, ये मूल्यवान वस्तुएं चूंकि दुर्लभ हैं, सीमित हैं, और जिन्हें प्राप्त करने की कामना हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति इन्हें प्राप्त करना चाहता है, और सबको मिल नहीं सकता। सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी किसी को मिलेगा जिनकी कामना क्या करते हैं, प्रत्येक करते हैं। सभी को प्राप्त हो नहीं सकता। सबसे बड़ा तर्क यह है कि सबको प्राप्त क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सीमित है। तो जब सबको प्राप्त नहीं हो सकता,
तो होगा किसको? किसी किसी को। प्राप्त होगा, यानी कोई कोई ही इसे प्राप्त कर सकता है। इतना आया? मूल्य क्या है बता सकते हैं आप? हम कह सकते हैं कि समाज में ऐसे मूल्यवान वस्तुएं हैं जैसे, और भी चीजें आप चाहें तो लिख सकते हैं, हाँ, सुख सुविधाएं हैं, लाभ है, प्रतिष्ठा है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अशिक्षा है, गरीबी है, निर्धनता है, जितना, ये सब मूल्यवान चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हर व्यक्ति पाना चाहता है, हर व्यक्ति इसकी कामना करता है। कौन ऐसा दुनिया में है जो इसको नहीं चाहता होगा? क्या हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा घर बढ़िया हो, घर में रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिले? लेकिन संभव है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये क्या है? दुर्लभ हैं, सीमित हैं। लेकिन इसे पाने की कामना हर व्यक्ति करता है, तो सबको नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा। हो सकता है इसको मिले हो सकता है इसको मिल जाए। तो अगर इसको मिल गया तो बाकी का क्या होगा? यही सवाल है कि किसको मिलेगा, बताइए आप। कहां गया? हां, ये अब किसको मिलेगा, सवाल ये है। यानी इन मूल्यों का वितरण विभिन्न समूहों में, विभिन्न दलों में कैसे किया जाए? तो दूसरे नंबर पर क्या आ गया? दूसरे नंबर पर क्या आ गया? समाज में इन मूल्यवान वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए? आवंटन, वितरण। तो दूसरा लाइन क्या है? मूल्य के बाद दूसरा क्या आ रहा है? आवंटन आ रहा है। यह वितरण कहते हैं इसको, ठीक। मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों में क्या होता है? संघर्ष होता है। क्यों संघर्ष होता है? क्योंकि ये सीमित हैं, पाना हर चाहता है लेकिन सबको मिल नहीं सकता। तो बेसिक सवाल यहां पर यह होगा कि इन मूल्यवान वस्तुओं का, इन मूल्यवान वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? तो इष्टन कहता है नीतियों के द्वारा। किसके द्वारा? नीतियों के द्वारा। नीतियों के द्वारा या नीति के द्वारा इनका वितरण
किया जाता है। किसके द्वारा? नीतियों के द्वारा इसका वितरण किया जाता है। अब आप लोग यह सोचिए कि जब यह नीतियों का निर्माण कौन करेगा, तो जब इनका समाधान किया जाएगा किसके द्वारा, इनका समाधान का मतलब कि मूल्यवान वस्तुओं का वितरण विभिन्न समूहों में विभिन्न दलों में कैसे किया जाए, नीतियों के द्वारा किया जाए। तो जब नीतियों के द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का वितरण किया जाएगा तो क्या इन नीतियों का पालन लोग करेंगे? इन नीतियों के द्वारा संघर्ष का समाधान हो सकेगा? ये वही मूल्यवान वस्तुएं हैं जिनको पाने के लिए संघर्ष होता है। तो ऐसे संघर्ष का समाधान कैसे किया जा रहा है? नीतियों के द्वारा। कानून बनाया जाएगा, न केवल कानून बनाया जाएगा बल्कि कानून को लागू भी किया जाएगा। तो क्या ऐसे नीतियों का पालन लोग करेंगे? क्योंकि आदमी मूलतः क्या होता है? स्वार्थी होता है। तो तीसरा लाइन निकालता है क्या? आधिकारिक मूल्य, आवंटन और आधिकारिक, ये तीन लाइन निकालता है। कहता है कि इसके द्वारा समुदाय के हितों को पूरा करने के लिए नीति निर्माण होता है और उसे लागू किया जाता है। जिनका पालन करना वह समुदाय आवश्यक एवं उचित समझता है। यदि वह आधिकारिक सत्ता के द्वारा बनाए गए नीतियों का पालन नहीं करता तो आधिकारिक सत्ता का यानी भारत सरकार की यह कोशिश हो कि लोग सहर्ष इसको स्वीकार करें कि हम ये बनाए हैं और इसी के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो सत्ता की यह कोशिश होगी कि जो हम नीति बनाए हैं उसे लोग उचित समझकर उसका पालन करें, अन्यथा आज्ञा पालन के लिए हम क्या करेंगे? बाध्य कर देंगे, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में है। इसी को हम नाम देते हैं राजनीति समाज में मूल्यों का क्या है? आधिकारिक आवंटन है। इतना समझ में आया? नहीं आ रहा है? हम जो गतिविधि राजनीति में करते हैं उस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? इसी को नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि हमारा होगा, कोई भी दल होगा, कोई भी आप लोगों के क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा, उसकी ये कोशिश होगी कि हमारे क्षेत्र में सेवा केंद्र स्थापित किया जाए। मेरा प्रतिनिधि ये कोशिश होगी कि मेरे क्षेत्र में सेवा उपलब्ध कराया जाए। अब किस क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बसेस हो गई, एजुकेशन हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, किस क्षेत्र में स्कूल खोला जाए? तो हर आदमी चाहेगा हमारे क्षेत्र में स्कूल खोला जाए, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित। तो हर क्षेत्र में तो खोला नहीं जा सकता, हर क्षेत्र में खोला नहीं जा सकता, किसी एक क्षेत्र में खोला जाएगा। और जब किसी एक क्षेत्र में खोल देंगे तो बाकी क्षेत्र उसका पालन करेंगे नहीं करेंगे? एक क्षेत्र में आपने खोल दिया, एक क्षेत्र में बसेस आपने चला दिया, इसे बाकी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं। तब क्या होगा कि एक क्षेत्र में परिवहन की आपने व्यवस्था कर दी तो फिर सरकार के सामने दूसरी नई मांग प्रस्तुत
होगी और फिर सरकार उस नई मांग को पूरा करने के लिए नीतियों का निर्माण करेगी। यानी यह एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। नई समस्याएं उभरती हैं और सरकार उन नई समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतियों का निर्माण करती है और ऐसे नीतियों का लोग पालन करते हैं। यह लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ये देखें आप, ये क्या है? सत्ता है। अपने देश के बारे में सोच लें, ये सत्ता है। और ये क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण मतलब समझ रहे हैं, समाज है। समाज में कौन है? लोग हैं, ठीक है। बीच में कौन है? सत्ता है। सत्ता ना समझ के मोदी जी की सरकार समझ लीजिए, भारत सरकार है। किसी राज्य के बारे में भी आप, अब समाज में यानी पर्यावरण से क्या होगी? मांग उत्पन्न होगी। ये लोग क्या करेंगे? मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे? परिवहन की मांग करेंगे। इसकी मांग करेंगे आदि। तो जरूरी है कि यह मांग क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। जब इन्होंने मांग किया तो यह पर्यावरण से मांग उठा तो दूसरे समूह भी मांग करेंगे, दूसरे समूह भी मांग करेंगे। तो विभिन्न समूहों के द्वारा किए जाने वाले मांगों में क्या होगा? संघर्ष होगा कि हमारी मांग मानी जाए, हमारी मांग मानी जाए। इस समाज से उत्पन्न होने वाले मांगों में संघर्ष होगा और इस संघर्ष से वही मांग सामने उभर कर आएगी जो उचित होगी कि पहले इनको दिया जाए। यानी इनकी मूलभूत आवश्यकता है, इनके क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो इनके मांग को पूरा किया जाए। अब यह मांग कहां पहुंच गई? यह मांग यहां पहुंची और चली गई किसके पास? सरकार के पास। विभिन्न समूहों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले मांग कहां पहुंच गए? सरकार के पास। तो ये मांग जो जा रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। परिवेश से ये मांग उठी और पहुंच गई कहां पर? सत्ता के पास। हम ऑक्सीजन लिए, क्या है ये? इनपुट है। CO2 छोड़ेंगे, आउटपुट होगा। अब सरकार के सामने ये मांग आगत के रूप में पहुंच गई तो सरकार क्या करेगी? डिसीजन मेकिंग करेगी, नीतियों का निर्माण करेगी, करेगी या नहीं करेगी? और ऐसे नीतियों के निर्माण को निर्गत करेगी कहां पर? कहां पर? पर्यावरण में। पर्यावरण में कौन है? ये सारे लोग हैं।
तो उनके आवश्यकताओं की पूर्ति होगी नहीं होगी? मांग गई आगत के रूप में और नीति बनाकर सरकार ने उसे लागू किया किस रूप में? निर्गत के रूप में। अब यह पर्यावरण में आ गया यानी समाज में लागू हो गया। तो जब समाज में लागू होगा तो कुछ फीडबैक भी मिलेगा। शौचालय बना, लोगों की मांग थी, मांग के रूप में सरकार ने नीति बनाई, शौचालय बनाया, शौचालय किस रूप में आया? आउटपुट के रूप में। अब शौचालय आ गया तो पर्यावरण में उस शौचालय को लेकर सरकार को कुछ फीडबैक मिला होगा, रिएक्शन हुआ होगा। क्या रिएक्शन हुआ होगा बताओ आप लोग? शौचालय के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन से प्रोग्राम के तहत लाया गया है? आए? क्या स्वच्छ भारत मिशन में? ठीक है, तो कुछ फीडबैक मिला है आप लोगों को? आप लोग बताइए, सरकार छोड़िए, आप लोग बताइए क्या इसके बारे में सोचते हैं? एकदम पूरा सही है, बना दिया एकदम सही है कि नहीं इसमें कुछ और किया जाना चाहिए? यही ना फीडबैक है। तो यहां तो निकल के आया कि नहीं भाई, बहुत अच्छी पहल सरकार ने किया, बना दिया, लेकिन यह भी देखने को मिला कि बहुत से ऐसे शौचालय बने लेकिन उसका इस्तेमाल पानी नहीं है। उस शौचालय में लोगों को जाना चाहिए लेकिन उसमें कुल बोरा बोरिया कुल भरा हुआ है। आया फीडबैक? नहीं देखे हो क्या आप लोग? योजना वोजना पढ़ा करिए कि ऐसे शौचालय का निर्माण हो गया बना तो दिया, अब बना दिया ठीक, तो इसको बना दिया तो इसका प्रयोग भी तो होना चाहिए, इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। लोगों ने क्या किया गांव के स्तर पर? कुछ ऐसे भी जगह दिखा रहा था, ये इलेक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले थे, जहां पे जानवरों को बांधे थे सब, ऐसे जगह पे दिखा रहा था, मैं विश्वास के साथ ये बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान गए थे लोग, दिखा रहा था जहां पे पानी नहीं है, सड़ान आ रही थी। जिसमें लोग अपने घर के कचरा रखे थे, तो सरकार को यह फीडबैक मिला होगा, गई होगी कि नहीं गई होगी? तो पर्यावरण से सरकार को क्या मिला? फीडबैक मिला, पुनर्निवेशन जिसको बोलते हैं। अब जब फीडबैक मिलेगा, किसको मिल रहा है फीडबैक? सरकार को। तो सरकार पुनः उन नीतियों में सुधार करेगी और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया लगातार चलती रहती। समझे आप लोग? कोई समझाएगा अब हमें कि राजनीति क्या है? समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। तीन शब्द हैं, मूल्य, आवंटन और आधिकारिक। लिख लीजिए पहले बोलने। हाँ, शुरू से लिखिए। आधुनिक राजनीति सिद्धांत विज्ञान में, क्षमा करें, आधुनिक राजनीति विज्ञान में सभी वैज्ञानिक राजनीति को मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि मानते हैं।
मनुष्यों की यह गतिविधि समाज के विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है। समाज के विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है, जैसे विभिन्न समूह, विभिन्न दल, हो गया विभिन्न दल, राजनीतिक गतिविधि शक्ति के संघर्ष में व्यक्त होती है। विभिन्न समूहों में प्रतिस्पर्धा होती है, और समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। हो गया। एलन वाल ने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में यह लिखा है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विभिन्न समूहों में मतभेद होता है, और ऐसे मतभेदों का समाधान होता है। मिलर ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स
द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में कहता है कि राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए शासन का प्रयोग किया जाता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करिए। ऐसे राजनीतिक गतिविधि में उत्पन्न होने वाले मतभेदों का समाधान करने के लिए बातचीत, सुलह, समझौता मध्यस्थता पंच निर्णय और दबाव डालने जैसे साधनों का सहारा लिया जाता है। किंतु सार्वजनिक मतभेद का समाधान सार्वजनिक साधन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें कह गई है। सार्वजनिक मतभेद का समाधान सार्वजनिक साधन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। जिसके द्वारा किए गए समाधान को विभिन्न समूह आवश्यक एवं उचित समझते हुए उसका पालन करें और उसे सहर्ष स्वीकार करें अन्यथा उस सार्वजनिक साधन के पास
बाध्यकारी शक्ति हो। बाध्यकारी शक्ति हो। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। डेविड ईस्टन कहता है कि संघर्ष का राजनीतिक समाधान संबद्ध पक्षों को, संबद्ध पक्षों को इसलिए स्वीकार होता है क्योंकि वह समाधान आधिकारिक होता है। अतः राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से होता है। हो गया, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से होता है। पैराग्राफ चेंज करिए, मूल्य हेडिंग दे दीजिएगा, मूल्य, ठीक है, मूल्य। समाज में मिलने वाली वे वस्तुएं, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की सेवा, सुख सुविधा, मान और प्रतिष्ठा दुर्लभ हैं। और जिन्हें मूल्यवान समझा जाता है और जिनकी कामना की जाती है चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, प्रत्येक पाना चाहता है। किंतु इतनी कम है कि कोई कोई ही पा सकता है।
हेडिंग दे दीजिए वितरण या आवंटन। वितरण या आवंटन विभिन्न व्यक्तियों और समूहों विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में समाज के इन मूल्यवान वस्तुओं का आवंटन कैसे किया जाए। यह निर्णय करना कि किसे क्या मिलेगा यह कार्य नीतियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। जिसमें निर्णयों का जिसमें निर्णयों का समुच्चय आ जाता है, यानी कई निर्णय मिलकर क्या बनता है, पॉलिसी। कई निर्णय मिलकर क्या बनता है, पॉलिसी बनती है। तो पॉलिसी में कई निर्णयों का समूह होता है जिसमें निर्णयों का समुच्चय आ जाता है। जैसे बहुत सारे निर्णयों को मिलाकर नीति तैयार की जाती है, और उसी के अनुसार उपर्युक्त वस्तुओं का वितरण किया जाता है। हो गया। हेडिंग दे दीजिए आधिकारिक। आधिकारिक कोई नीति जिन लोगों के लिए बनाई जाती है और लागू की जाती है और जिन्हें प्रभावित करती है, वही लोग उसका पालन करना आवश्यक एवं उचित समझते हैं। तब वह नीति आधिकारिक होती है।
आधिकारिक सत्ता का अर्थ लोगों को बाध्य करना या विवश करना नहीं है। बल्कि सहर्ष आज्ञा पालन कराने की क्षमता है। हो गया। निष्कर्ष के रूप में पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी समाज में मूल्यवान वस्तुएं सीमित होती हैं और उसकी कामना करने वाले लोग अधिक होते हैं। इसलिए वहां एक ऐसी आधिकारिक सत्ता का वहां एक ऐसी आधिकारिक सत्ता का वहां एक ऐसे आधिकारिक सत्ता की आवश्यकता होती है जो परस्पर विरोधी मांगों को सामने रखकर कोई ऐसा समाधान करे जो सबको स्वीकार हो। एक समाधान स्वीकार पुनः नए मांग नए रूप में, पुनः नए मांग नए रूप में और ऐसे में नए समाधान की आवश्यकता होती है। जो समाज में निरंतर होते रहता है। जो समाज में निरंतर होते रहता है। हो गया। तो राजनीति को आप क्या समझते हैं? उदारवादियों के अनुसार ये जो हैं ये उदारवादी हैं। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि जो वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है यह कुल मिलाकर पूंजीपतियों के शोषण पर आधारित है और इसका समाधान नीतियों से नहीं होगा बल्कि क्रांति से होगा। तो वो लोग क्या चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं। और उदारवादी क्या करते हैं? उदारवादी समाधान बताते हैं।
और कहते हैं कि राजनीति क्या है, तो मनुष्यों की एक गतिविधि है। समाज में मनुष्यों की यह गतिविधि विभिन्न समूहों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभिन्न समूह इस राजनीतिक गतिविधि में भाग क्यों लेते हैं, तो इन सारे के सारे समूहों का उद्देश्य होता है समाज में मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करना। सारे के सारे समूहों का उद्देश्य होता है समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। परिणाम स्वरूप इन विभिन्न समूहों में क्या होता है, संघर्ष होता है, और ऐसे संघर्ष का समाधान बातचीत से हो सकता है, सुलह समझौता से हो सकता है कि भैया ये तुमको ये तुमको, मध्यस्थता से हो सकता है, या पंच निर्णय के द्वारा हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर। लेकिन ऐसे समाधान बातचीत सुलह समझौता या मध्यस्थता के द्वारा या पंच निर्णय के द्वारा होता है, तो हो सकता है कि संबद्ध पक्ष इस समझौते को या समाधान को स्वीकार न करे। ऐसे संघर्ष जो सार्वजनिक संघर्ष है, इसका क्या उद्देश्य है, मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करना। तो जब समस्या सार्वजनिक है तो समाधान भी सार्वजनिक होनी चाहिए। तो डेविडस्टन कहता है कि ऐसे संघर्ष का राजनीतिक समाधान होना चाहिए, यानी सरकार के द्वारा इसका समाधान करना चाहिए। और जब सरकार इसका समाधान करेगी तो सारे के सारे समूह उसके इस समाधान को स्वीकार करें, अगर नहीं किए तो कुटाएंगे, पनिशमेंट की पावर भी है। समझ में आया? इसी को डेविडस्टन कहता है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट पूछेगा और हमको उठाकर लिख देना है। और उठाकर लिखने का मतलब यह हुआ कि शुरू से हमको नहीं लिखना है, आप वहां से शुरू करेंगे कि समाज में आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीति को मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि माना जाता है, और यह गतिविधि समाज में विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है। विभिन्न समूह समाज में मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चूंकि मूल्यवान वस्तुएं दुर्लभ होती हैं, सीमित होती हैं, जिनकी कामना हर व्यक्ति करता है और वह सबको प्राप्त नहीं हो सकता, तो ऐसे संघर्ष का समाधान अगर समस्या या संघर्ष सार्वजनिक है तो समाधान भी सार्वजनिक होना चाहिए, जो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी हो। क्योंकि जब इन विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष होता है तो ऐसे संघर्ष का समाधान हम कर सकते हैं, बातचीत के द्वारा भी कर सकते हैं, दबाव डालकर कर सकते हैं, मध्यस्थता के द्वारा कर सकते हैं, सुलह समझौता के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इन साधनों के द्वारा जो समाधान किया जाता है वो बाध्यकारी नहीं होता है। बातचीत के द्वारा आपने समाधान निकाला, मैं कहूंगा कि नहीं मानूंगा। तो अगर समस्या सार्वजनिक है तो समाधान भी सार्वजनिक होना चाहिए। तो डेविडस्टन कहता है कि ऐसे संघर्ष का राजनीतिक समाधान होगा। समस्या सार्वजनिक, समाधान सार्वजनिक, तो जब ऐसे संघर्ष का समाधान राजनीतिक होगा तो सारे के सारे संबद्ध पक्ष उस समाधान को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह समाधान क्या है, आधिकारिक होता है, बल होता है। अगर वो समाधान उसने किया, नीतियों को बना दिया, और ऐसे नीतियों का अगर हमने पालन नहीं किया तो उसके पास पावर होता है कि आपको पालन करने के लिए बाध्य कर दे। आधिकारिक आवंटन है।
तब बोलता है, उस लाइन से निकालता है इस चीज को कि अगर राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है तो ये मूल्य क्या हैं, मूल्य क्या हैं? तो आप बताएंगे कि समाज में मूल्यवान वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधा, मान, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 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 अरे एकदम खीरा खाए हैं क्या? नाक मेरी बहुत तगड़ी है, जान लीजिए। अब घर में कोई भी चीज खा लीजिए, मैं बता सकता हूँ क्या खाएं। आम ला के एक बार हमारा पार्टनर जो था बरेली में, इस वक्त पोस्टेड है, तो आम लाया था और आम खा लिया था, मैं था नहीं।